बुलंदशहर में जम्मू कश्मीर आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठन का उग्र प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूका आतंकवाद का पुतला, नारेबाजी कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसटीएम को सौंपा ज्ञापन। हत्यारों व उन्हें संरक्षण देने वालों को फांसी दिए जाने की रखी मांग। बीती 9 जून को जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं की बस पर हुआ था आतंकी हमला। हमले में 10 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत, करीब 30 लोग हुए थे घायल। खुर्जा के जेवर अड्डा चौराहा पर विरोध प्रदर्शन कर फूका पुतला। नाम है आपका? गोलू राजपूत, जिला संयोजक बजरंग दल खुर्जा। आज जेवर अड्डे चौराहे पर पुतला फूका है, क्या है पूरा मामला और क्या मांग है? हमने खुर्जा महोदय एसडीएम को राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें उल्लेखित ये है, 9 जून की शाम वैष्णो देवी से शिवखोड़ी जाते समय एक श्रद्धालु की बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए और बस चालक समेत 10 श्रद्धालु की जान गई है। आतंकवादियों का ये कृत्य बहुत निंदनीय है। क्या मांग रही है आपकी? भारत सरकार से हम मांग करते हैं सभी पाकिस्तानी आतंकवादियों को फांसी की सजा दी जाए, जिसके विश्व हिंदू पर सफल दल कड़ी शब्दों में निंदा करता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।